नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम झारखंड जीके हिंदी पिक्के पेपर पेपर टू ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसके शिवांग पब्लिकेशन के बुक का हम रिव्यू करेंगे दोस्तों। और ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस बुक के अंदर आपके कंप्लीट हिंदी पेपर टू का जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको कवर किया गया है शिवांग पब्लिकेशन के इस बुक में। और नंबर ऑफ पेज आपको लगभग यहाँ पे 404 पेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य और व्याकरण भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड एसएससी सीजीएल या इंटरमीडिएट का जो आगामी एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि अभी सीजीएल का एग्जाम इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए ये बुक आप ले सकते हैं। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है जेएसएससी सीजीएल के सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसके सारे सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है। कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये विषय सूची आपको देखने को मिल जाएगा। तो विषय सूची में आपको सबसे पहले भाषा साहित्य काव्य हिंदी साहित्य व्याकरण सारा टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। सबसे पहले भाषा को कवर किया गया है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ बताया गया है, थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है। और मैं बता दूँ दोस्तों, इस बुक का पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बुक दोस्तों आप ले लीजिए, बुक में कोई कमी नहीं है, बुक दोस्तों अच्छा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और अंतिम में आपको परीक्षा कॉर्नर देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आपको वन लाइनर के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये मुझे काफी अच्छा लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, थ्योरी डिटेल में समझ सकते हैं। साथ में आपको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है यहां प्रैक्टिस करने के लिए, और अंतिम में आपको आंसर की देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से आपको अगला एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगा, भाषा के विभिन्न रूप है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है थ्योरी है वो कवर किया गया, बहुत ही अच्छे और तरह से थ्योरी कवर किया गया है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वन लाइनर के फॉर्म में आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। हिंदी शब्द का भंडार अगला टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहां भी कवर किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं आपके सामने जो कुछ भी आपके सामने है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हुए अंतिम रिवीजन के लिए, वो मुझे काफी अच्छा लगा कि टॉपिक आपने पढ़ा, अपने आप को टेस्ट किया कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ये आप तुरंत जान सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान टॉपिक को भी काफी अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में कवर किया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक चीज मैंने देखा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं में आपको परीक्षा कॉर्नर देखने को मिलेगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा वन लाइनर वाला, बाकी सब टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएगा, सब जगह देखने को नहीं मिलेगा। परीक्षा कॉर्नर कुछ कुछ टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों, इस बुक को ले सकते हैं, बहुत डिमांड है। शिवांग पब्लिकेशन का जो बुक होता है झारखंड एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ में सीजीएल के लिए भी, साथ में जेपीएससी के लिए भी सब लेते हैं, ठीक है। इस बुक को तो झारखंड में किसी भी लेवल का एग्जाम है तो इस बुक को आप लीजिए। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप आसानी से इस बुक के माध्यम से झारखंड का जो पेपर टू लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट के लिए मतलब फॉर्म भरते समय चुना है तो ये बुक आप ले लीजिए। ऐसे इंग्लिश का भी बुक आता है, खोटा का भी बुक आता है, अलग अलग लैंग्वेज जो भी आपने चुना है उसके लिए ले सकते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं परीक्षा कॉर्नर आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो बुक दोस्तों अच्छा है, बुक को लीजिए, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर में कवर किया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो इस बुक को लीजिए, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है दोस्तों इस बुक का, ठीक है। और सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, परीक्षा कॉर्नर, और यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। अब ये दोस्तों देखिएगा, जो कहानी है काव्य है वो आपको अंतिम में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी दोस्तों देख लीजिएगा। इस बुक के लेने का फ़ायदा हो जाएगा कि आप सिलेबस को अच्छे से पहचान लेंगे, कैसे आपको तैयारी करना है वो जान लेंगे, और आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। अंतिम में आपको दोस्तों व्याकरण देखने को मिल जाएगा, व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम सब अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जैसे संज्ञा है तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन, सर्वनाम है तो उसका थ्योरी, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा और परीक्षा कॉर्नर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस बुक को लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।